अलवर न्यूज के रिपोर्टर त्रिलोक शर्मा और रूपेश शर्मा के अनुसार अलवर शहर के सूर्यनगर अरावली विहार आवासीय योजना के फ्लैट में बड़ी संख्या में अवैध रूप से लोग रहने लगे हैं, जो वैध रूप से रह रहे लोगों की बहन बेटियों से अभद्रता करने लगे हैं। इसकी शिकायत लेकर वहां के लोग कलेक्टर व एसपी के पास पहुंचे। कॉलोनी वासी सुनील कुमार ने कहा कि सूर्यनगर अरावली विहार में सैकड़ों फ्लैट है जिसमें लोग वैध रूप से रह रहे हैं, जिनके खुद के फ्लैट है या फिर किसी से किराए पर ले रखे हैं। बाकी करीब 100 से अधिक लोग अवैध रूप से रहने लग गए हैं। कई फ्लैट मालिकों को पता भी नहीं है कि उनके फ्लैट में कोई रहने लग गया। सर, मैं अरावली विहार सूर्यनगर की समस्या को लेकर आया हूँ। सर, आम जनता की समस्या को लेकर आया हूँ। सर, वहाँ पर फ्लैटों में अवैध रूप से बाहर से आए लोग जो बिना पानी बिजली कनेक्शन रह रहे हैं, और सर वे आए दिन बहन बेटियों से गाली गलौज करना और बस की करना। सर, उसके अवैज में हमने सर UIT को भी अप्लीकेशन दी थी, और यहाँ तक कि बिजली विभाग को भी अप्लीकेशन दी, और यहाँ तक थाने में भी अप्लीकेशन दी, पर कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। तो मैं आज सब जनप्रतिनिधियों के साथ SP मैडम को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आया हूँ। मैं किस तरह के लोग हैं और किस तरह की समस्याएं आपके साथ खड़ी कर रहे हैं? सर, ये आए दिन गाली गलौज करते हैं, और ये बाहर के लोग हैं जिनके पास ना किराया नाम है ना ही कुछ है, और वे लोग ऐसे ही इसी प्रकार से रह रहे हैं। कितने फ्लैट हैं और कितने फ्लैटों में? करीबन सर ये एक 1000 के आसपास फ्लैट हैं। अच्छा। और इनमें सर ये मात्र 70 लोग ईमानदारी से हैं, बकाए के सारे अवैध रूप से रह रहे हैं। अच्छा, मतलब किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं है सर, फ्री में रह रहे हैं सर। जी सर, बिजली चोरी हो रही है सर? बिल्कुल बिजली चोरी हो रही है सर, बकायदे से पानी की चोरी हो रही है, सब चीज़ हो रहा है सर। और कोई किस तरह की समस्या आ रही है? किस तरह की समस्या आ रही है सर? हमारी समस्या मेन ये है कि हम ये चाहते हैं कि सर इनसे खाली कराया जाए, ताकि कॉलोनी का जो है उसका अच्छे लोग रहें, और ये और अच्छे लोगों से कॉलोनी का विकास हो सके। तो इन ये इन्हीं के फ्लैट हैं या वैसे ही रह रहे हैं जबरदस्ती? सर, वैसे ही जबरदस्ती रह रहे हैं सर।